हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और जो कॉन्सेप्ट बताई हूँ उसको समझे होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को दूसरे क्वेश्चंस में भी ट्राई कर रहे होंगे साथ में, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हमेशा बीएचयू पूछता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने आ जाएंगे तो आप लोगों से क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझसे ये डाउट मेरे ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, P Pragati 020, या आप लोग डायरेक्टली बीएचयू वर्ल्ड के पेज पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, world@BHU, ठीक है, @worldBHU पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और साथ में मुझे टैग करना ना भूले ताकि मुझ तक भी आप लोगों की बात पहुंच जाए, ठीक है। इस पे टैग करेंगे तो मुझ तक भी आपकी बात पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, ठीक। तो आज हमारा जो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है, i की पावर n प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। अब i की कॉन्सेप्ट में आप लोगों को इतने बता चुकी हूँ, इतने सारे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ i के, कि आप लोगों से ये सब क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब क्वेश्चन को, क्योंकि i की पावर 4 जो होता है हम लोगों का वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, i³ - i के बराबर होता है, i² - 1 के बराबर होता है। आप लोगों को तो रट जानी चाहिए अब तक वैल्यूज, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है इसको सॉल्व करने में, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो देखिए कैसे, तो पहले i की वैल्यू क्या रखनी है, n की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और 13 तक हम लोगों को जानी है। n की वैल्यू 1 से शुरू करते हुए कहाँ तक जानी है, 13 तक जानी है। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, पहला हो जाएगा हमारा i² पहले क्या हो जाएगा i और वो i+1 है ना, i की पावर क्या है, i की पावर n प्लस 1, यही चीज़ तो लिखी हुई है कि नहीं, यही लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, i की पावर 1, तो उसमें क्या हो जाएगा i², ये दूसरा क्या लिखेंगे i² + i³, ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा i³ + i⁴। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए पहला टर्म होगा हम लोगों का ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा और ऐसे थर्ड टर्म जो हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, i की पावर 1 और i की पावर 14 को छोड़ के सारे जो हैं वो टर्म दो दो बार ही आएंगे। यहाँ पे देखिए i² इसी तरीके से ये वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, i की पावर 12 + i की पावर 13, यही वाला टर्म तो होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया, ये हो जाएगा i की पावर 12 + i की पावर 13, ऐसे ही तो लिखा रहेगा ये हमारा, ये वाला टर्म। तो ये मतलब i की पावर 13 भी हमारा कितनी बार प्लस हो रहा है, दो बार प्लस हो रहा है, मतलब i की पावर 1 और i की पावर 14 को छोड़ के हमारे जो सारे के सारे टर्म हो रहे हैं वो दो बार प्लस हो रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा पहले पेन का जो होता है फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, i और i की पावर 14 को साथ में लिख दूँ मैं, और ये सारे के सारे जो नंबर हैं उनको मैं साथ में लिख देती हूँ जो दो बार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जो एक बार इस्तेमाल हो रहा है पहले मैं उनको हटा देती हूँ, ठीक। तो चलिए ऐसा काम करते हैं हम लोग, हाँ ऐसा काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, i और ये i की पावर 14 मैंने एक साथ कर दिया और ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे 2i² + 2i³, और ये कहाँ तक जाएगा मेरा, ये मेरा जाएगा i की पावर 13 तक, ये काम कर रहेगा मेरा i की पावर 13, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं वो मेरे कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, i² + i³ + i की पावर 13, ये सब दो दो बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी प्लस है, अब ये देखिए i की पावर जो 14 है हम लोगों का, हम लोग किस तरीके से लिखेंगे इसको, 4 के मल्टीपल में अगर हम लोगों की पावर जब ज़्यादा होती तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कैसे करेंगे, 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को अगर 12 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12 / 2, मतलब i की पावर 3 × 4 + 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 3 × 4
इंटू आई की स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये वन हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, आई स्क्वायर बच जाएगा, है कि नहीं, आई स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर हमारा माइनस वन के बराबर होता है ना, तो जो ये नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई माइनस वन आ जाएगा हम लोगों का नंबर। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आई माइनस वन ये नंबर आ जाएगा, ठीक। इतना हम लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक पेज बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा फिर कलर चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस वन ये हो जाएगा, ये जो पहले वाले टर्म्स हो जाएंगे हम लोगों के, आई माइनस वन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, और ये सारे हैं टू आई स्क्वायर प्लस टू आई क्यूब प्लस टू आई की पावर थ्री, ये चल रहे हैं। तो ये टू कॉमन ले लीजिए, और ये क्या चल रहा है, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर फोर, और ये कहाँ तक जा रहा है, आई की पावर थर्टीन तक जा रहा है, है कि नहीं, ये आई की पावर थर्टीन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है ना, जो मेरा पब्लिक लेक्चर गया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखिए अगर हम लोगों का कॉमन रेशियो सेम होता है तो जो हम लोगों की सीक्वेंस हो जाती है, और ये हमारी सीरीज हो जाएगी प्लस ही है तो सारे के सारे टर्म्स को, तो जो हमारी सीरीज हो जाती है वो किस में हो जाती है, वो जी पी में हो जाती है। तो आप लिखिए, चलिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो निकालिए, आई क्यूब डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, आई I की पावर 4 डिवाइडेड बाई आई क्यूब, ये कितना आ गया, I मतलब सब जगह आप लोग देख रहे हैं वो कितनी वैल्यूज आती जा रही हैं, वो I के बराबर आती जा रही हैं, ठीक। तुम्हारा जो कॉन्जुकेटिव रेशियोज जो होगा वो सेम होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल कर ली। अब आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे सबकी वैल्यूज निकालते अलग 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 अलग, फिर सबको प्लस या माइनस करते, ये काम भी कर सकते थे। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता लेकिन आसान रहता, मतलब ये भी आसान रहता लेकिन थोड़ा सा लेंदी और बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता, और आप लोगों को जल्दी करना है तो हम, मेरे को ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी ये मेथड अच्छा लगना चाहिए क्योंकि जल्दी हो जा रहा है। अलग अलग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लेकिन जिसे जल्दी हो जाए उससे हम लोग सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर सम का, ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। तो ए क्या है, आई स्क्वायर है हम लोगों का, आर क्या है हम लोगों का, आई है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखिए अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये टू से शुरू हो रहा है और थर्टीन तक जा रहा है, मतलब जब टू लिखा है तो फर्स्ट टर्म, जब थ्री लिखा है तो सेकेंड टर्म, जब फोर लिखा है तो थर्ड टर्म। तो उसी तरीके से देखिए, टू पे एक कम टर्म आ रहा है, थ्री पे एक कम टर्म आ रहा है, फोर पे एक कम टर्म आ रहा है, तो ये थर्टीन पे भी एक कम टर्म आएगा ना, मतलब ट्वेल्थ टर्म जो हो जाएगा वो हमारा आई की पावर थर्टीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की पावर ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाई आई माइनस वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा आई माइनस वन प्लस टू। अब ये देखिए आई की पावर क्या है, ये है आई की पावर ट्वेल्व। अब ट्वेल्व को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं ना, फोर थ्री जा ट्वेल्व, मतलब फोर का मल्टीपल हो गया ये हमारा, तो इसकी वैल्यू वन आ गई कि नहीं आ गई, वन आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आई माइनस वन हो जाएगा। अब वन माइनस वन जीरो होता है, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस वन प्लस जीरो, मतलब आई माइनस वन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग अलग अलग निकालते तो आई स्क्वायर लिखते माइनस वन, आई क्यूब लिखते माइनस आई, फिर आई की पावर फोर वन लिखते, और वैसे ऐसे लिखते जाते आप लोग, तो ये बहुत लेंदी हो जाता आप लोगों के लिए, और आप लोग ने देख लिया कि ये हमारा जीपी में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, आई माइनस वन आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन में हम लोगों का आई माइनस वन का है, जो बी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों का आई माइनस वन ही दिख रहा है ना आप लोगों को, जो बी ऑप्शन में आप लोग टिक कर दीजिए, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक। तो इसी तरीके से ऐसे करते हैं, आई की अगर आई में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहाँ पे सबका पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा आई की पावर फोर वाला वन हो जाता है, तो आप लोगों को फोर की मल्टीपल में इसको करना होगा, ठीक है, इसको फोर की मल्टीपल में करना होगा, ठीक। तो इस तरीके से ही हम लोगों कैसे आई वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन जाने से पहले फिर से बताती चलूँ, हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है, अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं एडमिशन। हम लोग नया कोर्स भी लॉन्च हुआ है बी कॉम और सी एच एस नाइन्थ क्लास, और अगर आप लोगों को इनमें भी लेना है तो इसमें भी ले सकते हैं, और ये सारे कोर्सेज तो पहले से चल रहे थे, इनका सेकेंड बैच आने वाला है, आ गया है, और इसका फर्स्ट बैच आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये देखिए फिर से देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसमें
ठीक, पिछली क्लास में ही बताया हुआ है मैंने आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 5 दे रखा है, ठीक, ये चीज़ दे रखा है हम लोगों को। ठीक, अब ये देखिए, अब हम लोगों को ये अगर 5 पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जब पावर ज़्यादा होती है तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले पावर हटा देते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस आई रूट 3। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, पहले इसका मॉड ले लीजिए, मतलब मॉड ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 का मॉड क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 3 मतलब रूट ओवर 4 हो जाएगा हम लोगों का मॉड, मतलब 2 हो जाएगा मॉड हम लोगों का, ठीक, 2 मॉड हो जाएगा हम लोगों का। तो ये किसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना, है कि नहीं है, 2 मतलब ये मॉड ओवर r और cos थीटा प्लस i sin थीटा, और मॉड ओवर r क्या होता है हम लोगों का, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये लिख दिया हम लोगों ने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, पहले वो देखिए, ये देखिए tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड होता है, तो y क्या है हमारे पास, रूट थ्री हो है, tan इनवर्स रूट थ्री बाई वन, और रूट थ्री बाई वन किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है ना, tan पाई बाई थ्री रूट थ्री होता है ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता होनी चाहिए सारी, एकदम मुंह पे रट्टी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जब मैं आप लोगों को लेक्चर करा रही थी तो उसमें ये सब मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स रूट थ्री कितना आ गया, पाई बाई थ्री आ गया, ठीक है, पाई बाई थ्री आ गया। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये कोऑर्डिनेट हम लोगों का एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जो थीटा वन किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर ही आ जाएगा ना, मतलब ये पाई बाई थ्री ही हम लोगों का ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई थ्री ही हम लोगों का ये थीटा आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा हम लोगों का, ये लिखा जाएगा 2 कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, आसान चीज लग रही है। तो अब ये क्या हो गया हम लोगों का, ये जो हो जाएगा हम लोगों का कैसे हो जाएगा, इसको एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 प्लस रूट थ्री आई क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री हम लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम, लेकिन हम लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है, हम लोगों को 1 प्लस रूट थ्री की वैल्यू बतानी है, और हम लोगों को इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में चेंज करना है, तो उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में चेंज करेंगे तो 2 को हम लोगों को इधर लेकर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोगों का 2 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे नीचे हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, 1 प्लस रूट थ्री को हम लोगों को 1 प्लस रूट थ्री आई की पावर 5 को पहले हम लोगों को यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को इसको चेंज करना था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में चेंज करना था, ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई रूट थ्री बाई 2 जो होगा ये हम लोगों का इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे 2 लेकर आना था और ये पावर 5 थी इसलिए ये किया, तो 2 की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट थ्री आई, और ये अंदर 2 चला जाएगा, पावर 5 है तो सेम हो जाएगा, अगर a की पावर n और b की पावर n लिखी रहती है तो इसको हम लोग a बाई बी की पावर n लिख सकते हैं ना, वही काम किया, 2 की पावर, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5, तो दोनों की पावर 5 है तो a बाई बी की पावर n लिख दिया, तो ये चीज़ हो गया हम लोगों के पास, ये 2 की पावर 5 एज इट इज रहने दीजिए। अब ये क्या दे रखा है हम लोगों का, आई 1 प्लस आई रूट 3 बाई 2, ये cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 ऐसे लिख देंगे, और इसको कैसे लिख देंगे, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, और उसकी पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे उसकी पावर हम लोग, ठीक है। अब पावर, अब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में होता है तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है हमारी, ये जो है 5 जो है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये 2 की पावर 5 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। अब देखिए
पाई बाई थ्री जो है हम लोगों का वो कितना होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 30 और ये 300 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 300 डिग्री हमारा कहाँ आता है? ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये जो होता है हम लोगों का वो 180 डिग्री होता है। ये सब बता चुकी हूँ। ये 270 डिग्री होता है और ये जो होता है वो 360 डिग्री होता है। मतलब 360 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं ये आएगा 300। मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। मतलब जो ये वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, वो नेगेटिव आएगी हम लोगों की। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 5π/3 को अब देखिए इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये 2π होता है ना, तो 2π में से माइनस करेंगे अगर हम लोग पाई बाई थ्री। एक बार हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे करेंगे 2π से π/3 हम लोग माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। तो क्या हम लोगों का 2π माइनस π/3 हमारा ये 5π/3 के बराबर आ रहा है? हम लोग अब ये सोचेंगे हम लोग। ठीक, तो ये देखा मैंने, तो ये देख रही हूँ कि हाँ बराबर आ रहा है। मतलब हम लोग इसको cos 5π/3 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का 2 की पावर 5 पहले से था, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस आई साइन 2π माइनस π/3। ठीक है, मैं इसको ऐसा इसलिए सोची क्योंकि मैं देखी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2π माइनस थीटा, तो इसलिए मैं 2π माइनस थीटा करके देखा तो ये मेरा 5π/3 के बराबर आ रहा था। तो ये मैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 ये आ जाएगा। और 2π माइनस π/3 कितना हो जाएगा? cos ऑफ π/3 और प्लस आई साइन ऑफ, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस π/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? 2 की पावर 5। और cos π/3 कितना होता है? 1/2 होता है। और ये कितना होता है? माइनस √3/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 इधर लेके चले जाइए तो ये 2 की पावर 4 ऊपर हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस √3 हो गया ये। तब 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। तो कितना हो जाएगा? 16 1 माइनस √3 आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 16, 1 माइनस √3 जो थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का वो हो गया आंसर। तो थर्ड ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिए और आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? आसान क्वेश्चन था हम लोगों का। और किस तरीके से करना था समझा दिया मैंने आप लोगों को। बस आप लोगों को ये पोलर क्वाड्रेंट, जब पावर आए तो सबसे पहले दिमाग में जाइए पोलर क्वाड्रेंट और क्वेश्चन करिए आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से करना है बस समझना है। अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस करने में कहीं भी दिक्कत आनी चाहिए। बस पावर करना आना चाहिए और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, और आप लोगों के मार्क्स आराम से मिलेंगे आगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब फिर से देखिए आई और माइनस आई में है ये ऐसा क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन, इससे हार्ड ही क्वेश्चन था वो करा चुका है। नीचे एन माइनस टू थी ना पावर फर्स्ट लेक्चर में, याद आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जो इसको पहली बार देख रहा है? अगर देख रहा है तो प्लेलिस्ट में हम लोगों के लिंक्स दे रखी हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की, उसको जाके पहले देखिए फिर थर्ड लेक्चर पे जंप करिए। ठीक है, फिर थर्ड लेक्चर पे जंप करिए। ठीक, तो ये देखिए वहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ था 1 + i की पावर n, तो ऊपर लिखा हुआ था लेकिन क्या लिखा था? 1 - i की पावर n - 2 लिखा हुआ था नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों की पावर n पहले से ही है तो हम लोगों को उसको चेंज कर, उसमें हम लोगों ने बनाया था ना 1 - i को स्क्वायर नीचे ऊपर करके, फिर हम लोगों ने बनाया था ना दोनों की पावर सेम, इसमें हम लोगों को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से अवेलेबल है। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं नीचे वाले के? x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर इसको हम लोग ने z लिखा है तो इस z बार को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं और वो होता है x माइनस आई वाई, मतलब i की यहाँ पे जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + i हम लोग क्या करेंगे? कॉन्जुगेट के से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये भी 1 + ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 + i का होल स्क्वायर ऊपर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + i² + 2i और ये नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 1 मतलब 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - i
प्लस टू आई डिवाइडेड बाई टू, तो ये वन माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन से वन कैंसिल, तो टू आई डिवाइडेड बाई टू मतलब कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा ना हम लोगों का, और ये आई की पावर कितनी दे रखी है, एन दे रखी है, और हम लोगों को क्या बोल रहा है, सबसे छोटी, लीस्ट मतलब होता है छोटी, छोटी वैल्यू बतानी है, छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, हम लोगों को बतानी है किसकी, कि ये वाला जो नंबर है वो रियल नंबर हो जाए, तब आई की पावर हम लोग क्या करते हैं कि वो एक रियल नंबर आ जाए, तो आई का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन आ जाता है ना, तो ये एक रियल नंबर है कि नहीं है माइनस वन, हाँ जी बिल्कुल है, आई की पावर फोर भी करेंगे हम लोग तो भी हमारा वन आ जाएगा, ये भी एक रियल नंबर है, आई की पावर एट भी करेंगे हम लोग तो भी जो हमें हमारा वन आ जाएगा, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है जिसपे हमारा आई की वैल्यू हमारी रियल नंबर आ रही है, वो क्या है, वो टू नंबर है जिसपे हम लोगों की जो है वैल्यू वो सबसे छोटी आ रही है, ठीक है, जिसपे हम लोगों की वैल्यू सबसे छोटी आ रही है वो कौन सा नंबर है, वो टू नंबर है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो वहाँ पे टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था, वो अगर आप लोग ने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये तो बहुत ईजी लगना चाहिए आप लोगों को, देखिए बी एच यू रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ये पिछले साल, ये एक साल पहले पूछा था, थोड़ा सा उसको हार्ड करके ये पूछ दिया, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज करता है बी एच यू और वही सेम क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, देखिए फिर से क्या हो गया, पावर में क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्या देख रहे हैं, बीएचयू रिपीटेडली, चाहे वो एजी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो मैथ्स एग्जाम क्यों ना हो, दोनों में बीएससी एजी और बीएससी मैथ में रिपीट करके आप लोगों से पावर की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पोलर कोऑर्डिनेट जो है हम लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर कोऑर्डिनेट को जाके ऐसे लिख लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएचयू एंट्रेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएचयू एंट्रेंस, इसको लिख लीजिए जाके ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक, हर साल रिपीटेडली पूछ रहा है दोनों में, एजी में भी और उसमें भी, ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये दिया हुआ है फिर से, वन प्लस आई बाय रूट टू की पावर एट, और ये क्या है, वन माइनस आई अपॉन रूट टू की पावर एट, ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं जब हम लोग वन प्लस आई करते थे तो हम लोग क्या आया था, पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वो आया था रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर, यही तो आया था हम लोगों का, और वन माइनस आई क्या आया था हम लोगों का, देखा था हम लोगों ने, वो क्या आया था हम लोगों का, रूट टू कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, यहाँ पे क्या आया था हम लोगों को, रूट टू कॉस माइनस पाई बाय फोर, ये चीज़ मैं वापस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने बता दी है पिछले लेक्चर में, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो क्या आ गया, रूट टू कॉस माइनस पाई बाय फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाय फोर, ये आ गया हम लोगों का, ठीक है, ये चीज़ आ गई हम लोगों की, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का रूट टू पहले से डिवाइड है, हम लोगों को रूट टू डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वन प्लस आई बाई रूट टू की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन पाई बाय फोर, यहाँ पे हम लोगों को रूट टू मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का रूट टू मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं था, तो यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारी वन माइनस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस आई, सॉरी, वन माइनस आई डिवाइडेड बाय रूट टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ना हम लोगों की, ये आ जाएगी हम लोगों की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का वन माइनस आई बाय रूट टू की वैल्यू आ गई हम लोगों की, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय फोर प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाय फोर, और उसकी पावर क्या करनी है हम लोगों को, एट करनी है, तो एट कर दीजिए पावर, यहाँ पे भी पावर एट हो जाएगी, और ये क्या है वन प्लस आई रूट टू की पावर एट, ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय फोर हो जाएगा, और उसकी पावर एट, अब ये क्या हो जाता है हम लोगों का, ये जो एट है वो अंदर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एट,
ये 8 हो जाएगा माइनस 8 पाई बाई 4 और ये भी हो जाएगा माइनस 8 पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 8 अंदर जा सकता है तो ये भी हो जाएगा 8 पाई बाई 4 और ये भी 8 पाई बाई 4, ठीक है, ये अंदर जा सकता है हमारा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 वन ज़ा 4, ये 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की, आ जाएगी cos of माइनस 2 पाई प्लस i ऑफ, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया होगा ना आप लोगों के लिए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई और ये भी हो जाएगा 2 पाई, मतलब cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई हमारा 1 होता है और ये क्या होता है, ये 0 होता है ना, तो ये कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर, और माइनस ऑफ 2 पाई भी हम लोगों का 1 ही होता है। कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 पाई को हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई को 0 माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 0 माइनस 2 पाई, तो ये 0 एंगल यहाँ पे होता है, 0 में से माइनस कर रहे हैं तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है माइनस 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस ऑफ 2 पाई, मतलब हमारा पॉजिटिव होता है ना कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2 पाई की वैल्यू होती है 1, 2 पाई की वैल्यू cos 2n पाई जो होता है हमारा, ये सब आप लोगों को बताया हुआ है, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है हम लोगों का 1 होता है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है हम लोगों का माइनस 1 होता है, और साइन में कोई भी मल्टीपल ले लो n पाई का वो हमारा 0 होता है, मतलब चाहे इवन मल्टीपल लो चाहे ऑड मल्टीपल लो हमेशा 0 आता है हम लोगों का, ठीक। ये सब चीज़ें बताई हुई हैं आप लोगों को, ठीक, नहीं बताई हुई हैं अगर आप लोगों को नहीं पता थी तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब का यूज़ बहुत जगह होता है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिल्डअप होना, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं हम लोगों के, ठीक। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये भी क्या है 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 करना है, मतलब 1 प्लस 1 2 के बराबर हो गया ना, देखिए कहीं ऑप्शन में है 2, जो सी ऑप्शन है हम लोगों का वो हमारा 2 है, ठीक है, जो सी ऑप्शन है हम लोगों का वो हम लोगों का 2 है, ठीक। तो आसान क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे यहाँ के, इस वाले पोर्शन के ज़्यादातर पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड थे, आई की पावर से रिलेटेड थे जैसा मैंने पिछले भी बताया, और आराम से हो रहे थे। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा पोलर कोऑर्डिनेट्स पे जाइए और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हमेशा आता है। हालांकि मैंने आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जितना पूछा जाता है सब कुछ बता दिया है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन आएगा पोलर कोऑर्डिनेट का तो आप लोगों से वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से ना हो। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और इन कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चंस पे भी ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।